हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इज इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हूं, और इस वीडियो में मैं आपके लिए नेशनल साइंस ओलंपियाड NSO जो कि SOF के द्वारा होती है, उसके लिए मैं आपको NSO की पेपर लेके आया हूं। और ये वाला 21st SOF होने वाला है, लेकिन ये 18th SOF का है, थोड़ा पुराना पेपर है, लेकिन इससे मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो पेपर में लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, साइंस सेक्शन के 35 क्वेश्चन और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा लॉजिकल रीजनिंग से, और आपको दिखाऊंगा, और आंसर जो है वो ग्रीन कलर के पेन से टिक लगे हुए हैं, तो आप लोग उसको भी देख लोगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका आंसर सी है, क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर डी है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसका डी है, क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर सी है। यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, अगर आपको इसका आंसर ये पेपर डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का सी है, 7 का बी है, 8 का डी है, 9 का डी है और 10 का ए है। देखो, 9 नंबर जो डाइस रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली जाकर वहाँ देख सकते हो। काफ़ी आसान सा ट्रिक है, जो 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे। वो क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइंस, साइंस में क्वेश्चन नंबर 11 जिसका ए ऑप्शन आंसर है, 12 का डी, 13 जिसका बी आंसर है, 14 जिसका डी आंसर है, 15 जिसका बी आंसर है, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले में, तो 16 जिसका डी है, 17 जिसका डी है, 18 जिसका बी है, 19 बी, 20 बी, ठीक है। मतलब नेक्स्ट पेज पर 21 बी है, 22 डी है, 22 का बी है आंसर। उसके बाद 23 जिसका आंसर सी है, 24 का ए है, 25 का सी है और 26 का बी है, 27 का सी है, 28 जिसका डी है, 29 जिसका बी है, 30 जिसका बी है, 31 जिसका डी है, 32 जिसका डी है, 33 जिसका ए है, 34। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर 34 के बाद, 34 का आंसर अब हम लोग देखेंगे, 34 का डी है, 35 का बी, 36 का डी और 37 का बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पर, 38 का ए, 39 का बी, 40 का सी, 41 का बी। आते हैं नेक्स्ट पर, 42 जिसका डी है, 43 जिसका आंसर डी है, 44 जिसका ए है और 45 जिसका सी है। उसके बाद अचीवर सेक्शन है, 46 जिसका बी है आंसर, 47 जिसका सी है। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि लास्ट पेज पर। इसमें देखो, 48 का बी है, 49 का डी है और 50 का ए है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पेपर था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कब आपका ये पूरा होगा, और डेट्स के बारे में आप जान सकते हो, 1 नवंबर, 15 नवंबर और 27 नवंबर में से कोई एक डेट पर आपका स्कूल सेलेक्ट करेगा NSO को, NSO हो जाएगा आपके स्कूल में इन डेट्स पर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।